दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह नया साल ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नए साल से रिलेटेड मैं आपको ऐसे जानकारी दूंगा जो आपको पता नहीं होगी और ना पहले कभी आपने सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल की पहली जनवरी से साल की शुरुआत होती है, हम सभी जानते हैं। हालांकि कुछ वर्षों पहले अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों को नए साल का जश्न मनाते थे, कोई 25 दिसंबर को तो कोई 25 मार्च को मनाता था। लेकिन दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, बाद में नए साल को 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत दोस्तों रोम से हुई थी, जहाँ रोम के राजा नुमा पोम्पिले ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया। इस कैलेंडर के आने के बाद से जनवरी के पहले दिन नया साल मनाया जाने लगा। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे तथ्य के बारे में बात करें तो आखिर जनवरी नाम पड़ने की वजह क्या थी? दोस्तों, इसका कारण यह था कि रोम के देवता का नाम जानुस था, जिनके नाम पर ही जनवरी नाम पड़ा। वहीं दोस्तों, अगर तीसरे तथ्य की बात करें तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पहले साल सिर्फ 10 महीने का हुआ करता था, लेकिन बाद में साल 12 महीने के होने लगे। रोम के जो देवता थे जानुस के नाम से जनवरी पड़ा, तो वहीं मार्च के नाम से मार्च पड़ गया। मार्च जो है वो युद्ध के देवता का नाम है। दोस्तों, जब साल 10 महीने का हुआ करता था तब कुल 310 दिन हुआ करते थे, यह एक सप्ताह में 8 दिन हुआ करते थे। बाद में रोम के शासक जूलियस सीजर ने बदलाव करके साल की 12 महीने का कर दिया और 365 दिन निर्धारित कर दिया। सीजर जो थे, उन्होंने खगोलवादियों से जाना कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए सीजर ने साल के दिनों को बढ़ा दिया। वहीं साल की जो शुरुआत थी वो 1 जनवरी से की गई। उस समय से आज सभी विदेश 1 जनवरी को नया साल का जश्न मनाते हैं। हालांकि हमारा देश भारत भी 1 जनवरी को ही मनाता है, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग अपने पंचांग के अनुसार भी नए साल का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, देखा आपने कितने आश्चर्य करने वाले तथ्य थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर रोचक तथ्य जानकारी से भरपूर वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।